नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम भारतीय संविधान के अंतर्गत कई सारे टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो चर्चा रहेगी, हमारी मुख्य चर्चा रहेगी बच्चों, आज भारत के प्रमुख राष्ट्रपतियों को लेकर एवं राष्ट्रपति भवन को लेकर। इस वीडियो में बच्चों, हम आज दिन तक जो भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे एवं हमारे राष्ट्रपति भवन का भी अध्ययन करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, कई सारी नवीन जानकारियों आप लोगों को प्राप्त होगी। और नवीन जानकारियों के साथ मैं आपको स्टार्ट करता हूं। भारत के प्रमुख राष्ट्रपति, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न हो जाते हैं, कभी कभार इनके क्रम से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आइए बच्चों, करते हैं शुरुआत भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपतियों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लेंगे। ट्रिक का नाम है राधा, राधा जा वीपनी। ध्यान रखेंगे आप, राधा जा वीपनी। मैं पूरे के राष्ट्रपति इसी ट्रिक से बताऊंगा और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। राधा जा वीपनी ग्यावेश के कपल के साथ, राधा जा वीपनी ग्यावेश के कपल के साथ, कपल के साथ, राधा जा वीपनी ग्यावेश के कपल के साथ रामनाथ भी जाएगा, रामनाथ भी जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, राधा जा वीपनी ग्यावेश के कपल के साथ, क्योंकि रामनाथ भी जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणव मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, ये आपके 14 के 14 राष्ट्रपति हुए। अब इनमें हम सबसे पहले नंबर एक से प्रारंभ करते हैं। राशि बच्चों आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या ध्यान रखेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बातचीत करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते। ध्यान रखेंगे आप, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ले? 26 जनवरी 1950 को। बच्चों 26 जनवरी 1950 के दिन इनको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। इस वक्त इनके चुनाव नहीं हुए थे, सर्वसम्मति से 26 जनवरी 1950 को इन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 से लेकर के बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे 13 मई 1952 तक ये नियुक्त रहे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक ये नियुक्त रहे। लेकिन बच्चों 13 मई 1952 से लेकर और इस 13 मई के दिन इन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले। ध्यान रखेंगे आप, निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में क्या ले? शपथ ले। निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ किस दिन ली? ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी 13 मई 1952 के दिन। और 13 मई 1952 से लेकर के 13 मई 1962 तक, 13 मई 1952 से लेकर के 13 मई 1962 तक इनका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। एक बार मैं पुनः आपको समझा दूं, क्योंकि काफी सारी पुस्तकों में आपको सही से नहीं समझा रखा है। ऐसी स्थिति में आप लोग रटी रटाई बातें समझ रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब पहली बार राष्ट्रपति बनाया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन, उस दिन राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हुए थे, उस दिन इनको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। हमारे यहाँ भारत में प्रथम आम चुनाव कब होते? 1952 में हुए थे, आप ध्यान रखेंगे। और 13 मई 1952 को
इन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते और निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में दो बार इनका कार्यकाल रहता है और एक बार कार्यकाल रहता है इनका मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में। तो अब हम बातचीत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में। जरा आप लोग ये देख लेंगे, केवल ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम चर्चाएं करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में कि 26 जनवरी 1950 से इनके कार्यकाल की अगर हम बातचीत करें तो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। बच्चों, ये प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी है। सर्वाधिक कार्यकाल, इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन है, और प्रथम राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे आप, ये प्रथम राष्ट्रपति है, प्रथम प्रेसिडेंट है जिनके खिलाफ माभियोग प्रक्रिया अपनाई गई थी, लाई गई थी, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे माभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव में नहीं आई थी। मैंने अनुच्छेद 61 के तहत आप लोगों को माभियोग प्रक्रिया समझाई जो तीन चरणों से गुजरती है, लेकिन अंतिम चरण में ये सफल नहीं हो पाए थे। तो प्रथम राष्ट्रपति जिनके खिलाफ माभियोग प्रक्रिया अपनाई गई, केवल इतना सा ध्यान रखेंगे क्योंकि एक भी राष्ट्रपति को अभी तक माभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। ते प्रथम राष्ट्रपति भी थे जिनके खिलाफ माभियोग लाया गया, लेकिन दूसरे सदन में वो पारित नहीं हो सका था। बच्चों, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे ये माभियोग जो लेकर के आए थे आचार्य जेबी कृपलानी, और आचार्य जेबी कृपलानी उस वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और आप लोग ये भी ध्यान रख लेंगे कि 26 जनवरी 1950 से पहले की अगर हम बातचीत करते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हम बातचीत करते हैं तो तीन बार शपथ लेने वाले राष्ट्रपति, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि तीन बार शपथ लेने वाले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक बार मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में और दो बार निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और ध्यान रखेंगे ये कहां से थे, ये बिहार से थे, कहां से थे, बिहार से। तो ये थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। राका मतलब क्या हुआ बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे राष्ट्रपति, भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति बने बच्चों वो बने डॉक्टर राधा कृष्णन, ध्यान रखेंगे आप, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति बने वो कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये बच्चों 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक इनका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वह कौन रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन। बच्चों ध्यान रखेंगे ये प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति है, प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। आप लोगों से इस विषय में पूछा जा सकता है कि प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन हुए हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन। साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे ये शिक्षक थे, ये प्रथम शिक्षक जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे, राधा कृष्णन। बच्चों ये स्वप्न दृष्टा थे, क्या थे, ये स्वप्न दृष्टा, और स्वप्न दृष्टा के साथ आप ये भी ध्यान रख लेंगे कि ये दार्शनिक है, क्या है, ये दार्शनिक, ये दार्शनिक थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों डॉक्टर राधाकृष्णन इन्हीं के जन्मदिन को 5 सितंबर को, इन्हीं के जन्मदिन को 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। शिक्षक दिवस किनकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन, और कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, क्योंकि 5 सितंबर के दिन इनका क्या आता है, जन्मदिन आता है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अगर हम बातचीत करें तो चीन युद्ध के समय, ध्यान रखेंगे आप, चीन युद्ध के समय 1962 के अंतर्गत ये क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे, और 352 का राष्ट्रीय आपात का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रथम बार
राष्ट्रीय आपात का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। 352 का इन्होंने प्रयोग किया था 1962 ईस्वी में। उस वक्त चीन से हमारा क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। तो बच्चों ये थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो गैर राजनीतिक थे, इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, ये साफ ध्यान रखेंगे। धाका मतलब क्या हुआ? राधाकृष्णन। राका मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बातचीत कर रहे हैं जाकिर हुसैन की। बच्चों ध्यान रखेंगे जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन से संबंधित परीक्षा में काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तो आइए हम कर लेते हैं कुछ चर्चा जाकिर हुसैन की भी। तो ये जाकिर हुसैन। बच्चों जाकिर हुसैन जो बने, ये बने 13 मई 1967 से 3 मई, ध्यान रखेंगे आप, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक 13 मई 1967 से 3 मई 1969। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 वर्ष पूरे नहीं हुए, तो हाँ आना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था। आइए हम जान लेते हैं जाकिर हुसैन को भी। ध्यान रखेंगे प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति है, और अल्पसंख्यक में किससे संबंधित थे? ये मुस्लिम थे, जैसा आपको नाम से लग रहा है, ये मुस्लिम थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये शायद आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, और अल्पसंख्यक में क्या थे? मुस्लिम थे। 13 मई 1967 के दिन इन्होंने पद ग्रहण किया, और 3 मई 1969 के दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो पद पर मृत्यु, आपसे पूछ लिया जाए कि पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से कई बार आ रखा है कि पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों जामिया, ध्यान रखेंगे आप, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्या ये संस्थापक भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये विश्वविद्यालय है और इसके क्या है ये संस्थापक। आपसे पूछ लिया जाए कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 52 के तहत यहां पर राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा इसका मतलब राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं? राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति का पद क्या हो गया? खाली। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, हमारे संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उस वक्त क्या थे बच्चों? उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था? वीवी गिरी, ध्यान रखेंगे आप, वीवी गिरी। उस वक्त क्या थे? वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। और अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो पद पर कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य करेगा, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जैसे ही 3 मई 1969 के दिन, ध्यान रखेंगे आप, जैसे ही 3 मई 1969 के दिन इनकी मृत्यु होती है, उसी दिन वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। और इन्होंने भी क्या किया? 20 जुलाई 1969 के दिन, ध्यान रखेंगे आप, 20 जुलाई 1969 के दिन क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। कई सारी बातें करेंगे हम वीवी गिरी की। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे प्रथम उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, प्रथम उपराष्ट्रपति
जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ध्यान रखना है आपको, प्रथम उपराष्ट्रपति जो क्या बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ऐसे कौन थे? वीवी गिरी प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। साथ में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो वो है बच्चों वीवी गिरी। ये जाकिर हुसैन की मृत्यु पर क्या बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बच्चों। लेकिन इन्होंने क्या किया, किस 20 जुलाई के दिन इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ध्यान रखेंगे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने क्या दिया, त्याग पत्र दिया, वो कौन थे? वीवी गिरी। अब बच्चों होता क्या है, अब ध्यान रखेंगे कि होता क्या है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के क्या हो गए, पद खाली हो गए। राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का भी पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की तो मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में अब भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो आप लोग पहले राष्ट्रपति में डिटेल से जान चुके हैं कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद हिदायतुल्ला और मोहम्मद हिदायतुल्ला क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। 20 जुलाई 1969, आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 के दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और 24 अगस्त 1969 तक, ध्यान रखेंगे आप, 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं। 20 जुलाई 1969 के दिन इन्होंने क्या ली, शपथ ली और 24 अगस्त 1969 तक ये भारत के क्या रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। लेकिन मोहम्मद हिदायतुल्ला का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे आप, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति नहीं था, उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, वीवी गिरी ने, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, दोनों ही सीटें खाली हो गई, तो कौन बने, मोहम्मद हिदायतुल्ला, और ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बच्चों ये क्या रहे, हमारे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का दर्जा भी इन्हीं के नाम है, सबसे कम समय तक, आप लोगों से पूछा जा सकता है, सबसे कम समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति और सबसे कम समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कौन रहे, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव होते ही पहले वापस से राष्ट्रपति कौन बनते हैं, वीवी गिरी बनते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। वीवी गिरी वापस से क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं 24 अगस्त 1969, आप लोग ध्यान रखेंगे, वीवी गिरी और वीवी गिरी वापस से क्या होते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 24 अगस्त, आप लोगों को ध्यान रखना है 24 अगस्त 1969, और 24 अगस्त 1969 से ये चलते हैं 24 अगस्त 1974, आप यहीं से सेट कर ले, इनमें 5 जोड़ दे, बस 5 जोड़ते क्या हो गए 1974। देखो बच्चों, मैंने आपको जब राष्ट्रपति बताया था उस वक्त वरीयता की बात पर राष्ट्रपति घोषित किया जाता है और वीवी गिरी के समय 1969 में प्रथम वरीयता में कोई भी निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता है, कोई भी 50% से ज्यादा एक भी मत प्राप्त नहीं करता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्वितीय वरीयता, और ये प्रथम राष्ट्रपति है जो द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति बने। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बनता है,
द्वितीय वरीयता के आधार पर, द्वितीय वरीयता के आधार पर बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो द्वितीय वरीयता के आधार पर वीवी गिरी जो क्या करते हैं बच्चों, राष्ट्रपति बनते हैं। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, वरीयता आपके समझ में नहीं आए हो तो राष्ट्रपति मैंने अलग से आपको टॉपिक पढ़ा रखा है, वहां पर काफी सारे हम लोगों इसकी बातें कर रखी हैं, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। वीवी गिरी के बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं फैसे फखरुद्दीन, आप लोग ध्यान रखेंगे फखरुद्दीन। और फखरुद्दीन जी भी 24 अगस्त 1974 के दिन क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और 11 फरवरी 1977 तक, 11 फरवरी 1977 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति है हमारे फखरुद्दीन जी। और फखरुद्दीन जी की बच्चों अगर बातचीत करते हैं तो 24 अगस्त 1974 से ये कार्य करना प्रारंभ करते हैं और ये चलते हैं बच्चों 11 फरवरी 1977 तक, 11 फरवरी 1977 तक, ये आप ध्यान रखेंगे। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये क्या रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा कि यहाँ पर वापस 5 वर्ष नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है, अभी हम बातचीत करेंगे। तो फखरुद्दीन जी सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन है, फखरुद्दीन जी। इन्होंने 35 अध्यादेश जारी किए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन है, फखरुद्दीन जी। इन्होंने 35 अध्यादेश जारी किए थे। नेक्स्ट बच्चों आपको एक और बात ध्यान रखनी है, फखरुद्दीन जी के समय 1975 में आंतरिक अशांति पर, ध्यान रखेंगे आंतरिक अशांति हो जाने के कारण 352 का प्रयोग किया गया था, राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया गया था फखरुद्दीन जी के समय, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फखरुद्दीन जी दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 14 फरवरी 1977 के दिन इनकी पद पर रहते हुए बच्चों क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन दोनों ही मुस्लिम हैं और दोनों ही मुस्लिम राष्ट्रपतियों के पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो वापस राष्ट्रपति के काम कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति। और इस वक्त उपराष्ट्रपति कौन थे बच्चों, बीडी जत्ती, ध्यान रखेंगे कौन थे, बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती क्या होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये बने बच्चों 11 फरवरी के दिन, जैसे इनकी मृत्यु हुई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, बीडी जत्ती, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बच्चों बीडी जत्ती। और बीडी जत्ती जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, ये रहे थे 11 फरवरी 1977 से लेकर के, ध्यान रखना है आपको 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक, 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक ये क्या रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। बीडी जत्ती के विषय में अगर हम बातचीत करें तो सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ध्यान रखेंगे 5 महीने और कुछ दिन सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति, सर्वाधिक समय तक ये क्या रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे हैं, बीडी जत्ती। तो भारत में अब तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये सभी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे वीवी गिरी, वीवी गिरी के बाद बच्चों कौन रहे, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कौन रहे, मोहम्मद हिदायतुल्ला, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। ये प्रश्न परीक्षा में आ रखा है कि निम्न में से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो आप लोग तीनों को ही ध्यान रखेंगे कि वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है। सबसे कम समय तक कौन बने, मोहम्मद हिदायतुल्ला, और सर्वाधिक समय तक 5 महीने और कुछ दिन तक कौन बने, बीडी जत्ती, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं।
इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे नी से नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी की विषय में अगर बातचीत करें तो बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। देखो सबसे पहली बार राष्ट्रपति बना वो बना 26 जनवरी 1950 के दिन। अगर हम निर्वाचित की बातचीत कर लें तो 13 मई 1952 के दिन। लेकिन आज के जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वह किस तिथि को लेते हैं ये आप ध्यान रखेंगे, 25 जुलाई के दिन। किस तिथि को लेते हैं? 25 जुलाई के दिन। नीचे आप ध्यान रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी, भारत के जो राष्ट्रपति आ रहे हैं अब कौन आ रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। और बच्चों यहां से आपको ध्यान रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 के दिन क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो 25 जुलाई के दिन ही हमारे राष्ट्रपति शपथ किस दिन लेते हैं? 25 जुलाई के दिन। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्तमान राष्ट्रपति 25 जुलाई के दिन शपथ लेते हैं, ये सिलसिला कहां से प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को जो राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी उसके बाद से अभी तक बिल्कुल क्रम से जा रहा है। आपको भी यहां तक के कार्यकाल याद कर लें, मैं बहुत शॉर्ट आपको समझा देता हूं। यहां तक के कार्यकाल आप याद कर ले, बाद के सभी कार्यकाल में आपको 5 वर्ष जोड़ते जाना है। आज भी तिथि क्या है? 25 जुलाई। तो बच्चों 77 में 5 जोड़ते क्या हो जाएगा? 25 जुलाई 1982। ये कब तक रहे? नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 77 से 1982 तक रहे। आप इसे पूर्व के याद कर ले, मैं फिर कह रहा हूं कार्यकाल का प्रश्न आता है, बाकी आपको 25 जुलाई 1977 से 5-5 वर्ष जोड़ते जाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम, ध्यान रखेंगे आप, प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति है। प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम निर्विरोध निर्वाचित क्या है बच्चों? राष्ट्रपति है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे युवा राष्ट्रपति है, सबसे युवा राष्ट्रपति। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे युवा राष्ट्रपति या सबसे कम आयु के, कम आयु के, सबसे कम आयु के राष्ट्रपति के रूप में किन्हों ने शपथ ली? तो नीलम संजीव रेड्डी ने सबसे कम आयु के रूप में क्या ले? शपथ ली। ऐसे इनकी आयु कमी थी बच्चों, 64 वर्ष की आयु में इन्होंने शपथ ली थी। और ये सबसे कम उम्र है 64 वर्ष नीलम संजीव रेड्डी की। अभी तक नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 64 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रपति पद की क्या लिए? शपथ ली है। एक बार नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी से चुनाव हार जाते हैं और दूसरी बार निर्विरोध चुने जाते हैं। तो एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। अब बच्चों 11वीं बातचीत करते हैं ज्ञानी जेल सिंह जी की। किसकी बातचीत करते हैं? ज्ञानी जेल सिंह जी की। तो ज्ञानी जेल सिंह जी की अगर बातचीत करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्ञानी नाम से लग रहा है ये क्या है? ज्ञानी। और ज्ञानी जेल सिंह, और इनके परीक्षा में प्रश्न कैसे हो सकते हैं? ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई, ध्यान रखेंगे आप, 25 जुलाई 1982 से, 25 जुलाई 1982 से। अब आपस से आप 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 5 वर्ष इनमें से जोड़ते पहले कितने हो जाएंगे? 87। तो 25 जुलाई 1987 तक ये क्या रहे? भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। ज्ञानी जेल सिंह क्या थे? पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? पंजाब के मुख्यमंत्री थे। और साथ में ध्यान रखेंगे सबसे कम पढ़े लिखे, नाम से लग रहा है ज्ञानी जेल सिंह, तो आप ध्यान रख लेंगे सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति। सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन है? सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति भी ज्ञानी जेल सिंह ही है। क्योंकि बच्चों राष्ट्रपति पद की अर्हताओं के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, योग्यताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं कर रखा है। तो ज्ञानी जेल सिंह जी सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे बच्चों आप ध्यान रखेंगे वेंकट रमन, क्या ध्यान रखेंगे? वेंकट रमन। और 25 जुलाई 1987 के दिन,
वेंकट रमन जो शपथ लेते हैं वो 25 जुलाई 1987 वेंकट रमन, और वेंकट रमन ने शपथ कब ली? 25 जुलाई 1987 के दिन, 25 जुलाई 1987 को ये क्या लेते हैं बच्चों? शपथ लेते हैं। और 87 में आप क्या कर दे? 5 जोड़ दे। 87 में 5 जोड़ दे, आपको पता होगा क्या हो जाएगा? 7/5/12/1992 तक। वेंकटरमण 25 जुलाई 1987 को शपथ लेते हैं और इनका कार्यकाल रहता है बच्चों 25 जुलाई 1992 तक। और साथ में आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक आयु वाले राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति जिनने सबसे ज्यादा आयु में शपथ ली वह कौन थे? तो सर्वाधिक आयु वाले राष्ट्रपति वेंकटरमण ही है। और वेंकटरमण कितने वर्ष के थे? 77 वर्ष के, 77 वर्ष के जो इन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। वेंकट रमन के बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे शंकर दयाल शर्मा। क्या ध्यान रखेंगे? शंकर दयाल शर्मा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं शंकर दयाल शर्मा। अगले जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? शंकर दयाल शर्मा। और शंकर दयाल शर्मा की बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे 25 जुलाई 1992 से, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं करवा रहा हूं आपको, क्योंकि ध्यान रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी के बाद 5-5 वर्ष जोड़ते जाना है कुछ भी नहीं है, वो सीधा तरीका है। 25 जुलाई 1992 से आप 5 वर्ष जोड़ते कितने हो गए रे बच्चों? 97 हो गए, तो बिल्कुल सिंपल बात है ये 97 वर्ष। तो 25 जुलाई 1992 को शपथ किसने ली? शंकर दयाल शर्मा ने। आप लोग ध्यान रखेंगे ये भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? राज्यपाल थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? राज्यपाल। और सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ क्या किया है? काम किया है। किसने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। बच्चों इन्हीं शंकर दयाल शर्मा ने आप लोग ध्यान रखेंगे 1992 के अंदर 143 का प्रयोग किया था। इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से राम मंदिर मामले के अंदर क्या की थी? सलाह मांगी थी, परामर्श मांगा था, लेकिन वहां पर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया था, क्योंकि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। 1997 के बाद बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कैसे? के आर नारायणन, ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। के आर नारायणन, और के आर नारायणन शपथ लेते हैं बच्चों 25 जुलाई 1997 के दिन, 25 जुलाई 1997 के दिन, 25 जुलाई 1997 से आप फिर क्या कर देंगे? 5 वर्ष जोड़ देंगे, और 5 वर्ष जोड़ते क्या हो जाएगा? 2002। और 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक के आर नारायणन हमारे क्या रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं। ध्यान रखेंगे के आर नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुए हैं, तो के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए हैं, जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इन्होंने कार्य किया है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। करके बाद बच्चों अब आप कैसे ध्यान रखेंगे? कैसे? अब्दुल कलाम। और यहां से भी आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब्दुल कलाम कैसे, क्या ध्यान रखेंगे? अब्दुल कलाम, और 25 जुलाई 2002 से ध्यान रखेंगे आप, 25 जुलाई 2002 से, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये क्या रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। अब्दुल कलाम की बातचीत करें तो ये द्वितीय गैर राजनीतिक राष्ट्रपति है, द्वितीय गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वितीय गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हुए हैं। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। ये मिसाइल मैन है बच्चों, इनको क्या कहा जाता है? हमारे यहां पर इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये वैज्ञानिक थे, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था
कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो बच्चों ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। इनका क्रम पूछा गया था अब्दुल कलाम का कि कौन से क्रम के थे, तो ये 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हुए हैं, ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। बच्चों इसके बाद आप ध्यान रखेंगे पसे प्रतिभा पाटिल के विषय में अगर हम बातचीत करें तो 25 जुलाई 2007 से 2012 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। प्रतिभा पाटिल, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल अगर हम देखते हैं तो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक प्रतिभा पाटिल हमारी क्या रहती है बच्चों, ये रहती है हमारी राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे ये प्रथम महिला राष्ट्रपति है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है बच्चों वो प्रतिभा पाटिल ही है। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, तो ध्यान रखेंगे ये राजस्थान के राज्यपाल भी थे। ये क्या थी बच्चों, राजस्थान के राज्यपाल भी थे। और साथ में आप ध्यान रखेंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुई है, प्रतिभा पाटिल, और कौन से नंबर पर बनी है, बच्चों 12वें नंबर पर बनी है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों इसी पसे आप ध्यान रखेंगे कपल लिखा हुआ है, कपल में तो दो होते ही हैं, तो पमी भी क्या होंगे, दो होंगे, और एक पका मतलब होगा बच्चों प्रणव मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक हमारे क्या रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। मैं लिख देता हूं प्रणव मुखर्जी, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं प्रणव मुखर्जी। और ध्यान रखना है कि प्रणव जो मुखर्जी है 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक ये क्या रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे। ध्यान रखेंगे प्रणव मुखर्जी का जो बचपन का नाम था पोल्टू, इनको पोल्टू के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी बंगाल से संबंध रखने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति है प्रणव मुखर्जी, जो 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे। अब बच्चों बातचीत कर रहे हैं वर्तमान राष्ट्रपति के, और वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद। क्या नाम है बच्चों, रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद ने किस दिन शपथ ली, 25 जुलाई 2017। ध्यान रखेंगे आप 25 जुलाई 2017 से ये लगातार चल रहे हैं, 25 जुलाई 2017 से लगातार का मतलब वर्तमान में भी ये बने हुए हैं। रामनाथ कोविंद की अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इनका जो प्रतिद्वंदी था, आप लोगों से इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किनको पराजित किया था, तो इनके प्रतिद्वंदी मीरा कुमार को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति है, भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, तो इन्होंने रामनाथ जी ने भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है 25 जुलाई 2017 के दिन। बच्चों इनकी अगर हम बातचीत करें तो 1994 से लेकर के 2006 तक, 1994 से लेकर के 2006 तक राज्य को ध्यान रखना है, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों में फिर बता दूं ये राष्ट्रपति बने उससे पूर्व बिहार के राज्यपाल थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बिहार के क्या थे बच्चों, राज्यपाल थे। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व कहां के राज्यपाल थे, या फिर निम्न में से सत्य है असत्य में इस प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे, 1994 से 2006 तक राज्यसभा के सांसद रहे, ये द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं, और इनमें से एक गलत भी दे देगा या नीचे दे देगा, उपयुक्त सभी सही हैं, तो इस प्रकार भी आप लोगों को नॉलेज ध्यान रखनी है। बच्चों में एक बार पुनः आप लोगों का रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान रखेंगे राधाजा विपिनी ग्यावेश के कपल के साथ
रामनाथ भी जाएगा, तो यहाँ से राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फकरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, अब्दुल कलाम, पद से प्रतिभा पाटिल क्योंकि महिला फर्स्ट हैं, और पद से प्रणव मुखर्जी पुरुष सेकंड नंबर पर हैं, और इसके बाद आप लोगों को पता है रामनाथ जी। अब बच्चों हम बातचीत कर लेते हैं 5 मिनट की राष्ट्रपति भवन की, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के विषय में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति भवन है कहां पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वतमाला के रायसीन की पहाड़ियों पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन है कहां पर, तो ये है बच्चों दिल्ली में, ध्यान रखेंगे आप, दिल्ली में भी कहां पर, रायसीन की पहाड़ियां, ये अरावली पर्वतमाला का ही क्षेत्र है, चित्रे वे रूप में जिनको हम कहते हैं रायसीन की पहाड़ियां, और रायसीन की पहाड़ियों पर बच्चों हमारा राष्ट्रपति भवन बन रखा है लाल पत्रों से। कौन से पत्रों से बन रखा है, लाल पत्रों से। और मैं आपको और बता दूं कि राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार है एडविन लुटवेंस, ध्यान रखेंगे आप, इनके वास्तुकार कौन है, एडविन लुटवेंस, एडविन लुटियंस, लुटियंस, एडविन लुटियंस इनके क्या है, वास्तुकार हैं। और बच्चों ध्यान रखेंगे कि इसका जो शिलान्यास किया गया था, शिलान्यास, राष्ट्रपति भवन का शिलान्यास कब किया गया था, ये किया गया था 1911 में। कारण क्या था, 1911 में कोलकाता से हमारी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी, दिल्ली। जैसे ही दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित की तो यहां पर राष्ट्रपति भवन का क्या करने लगे बच्चों, निर्माण करने लगे थे 1911 में। बच्चों इसका उद्घाटन किसने किया था, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने, किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने, और कब किया था बच्चों, 1927 में किया था। कब किया था, 1927 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, और इसमें रहने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन था, लॉर्ड इरविन, ये वाइस राय था, इसीलिए राष्ट्रपति भवन का जो पुराना नाम मिलता है हमें वाइस रिंगल लॉज, क्योंकि इसमें प्रथम रहने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था बच्चों, लॉर्ड इरविन था, और लॉर्ड इरविन क्या था, ये हमारे यहाँ का वायसराय था, इसलिए राष्ट्रपति भवन को बच्चों क्या कहा जाता था, राष्ट्रपति भवन को प्रारंभिक समय में, यह इसका प्राचीन नाम वायस रिंगल लॉज था। निश्चित ही बच्चों आपके भारत के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भवन के विषय में समझ में आया होगा। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और आप में से अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।